सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन अहमदली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे अपने चैनल की कस्टमाइजेशन और चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने अपने चैनल को इनवाइट किया था और दूसरे चैनल को ऑनर बनाया था इस सेटिंग्स में जाके। इस सेटिंग्स के अंदर हम लोगों ने तकरीबन सारी सेटिंग्स कंप्लीट कर ली थी, नाम चेंज कर लिया था और ये चीज़ें कर ली थी जो आप लोगों को पता होंगी। नोटिफिकेशन, प्लेबैक, परफॉर्मेंस हिस्ट्री, प्राइवेसी, ये हम बाद में सीखेंगे, अभी इसकी नीड नहीं है। जिसकी नीड है हम पहले उसको सीखेंगे। ये आप लोगों ने याद रखनी है बात, जो चीज़ जो काम करने निकले हैं वो काम पहले करेंगे, बाकी बाद में काम करेंगे। क्वेश्चन आंसर जो भी होंगे वो सब क्लियर करेंगे। लास्ट के अंदर मैं आप लोगों को अपने उन चैनल्स का रिव्यू करवाऊंगा जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं, उससे आपको थोड़ा मोटिवेट होगा कि हाँ अच्छा वर्क हो रहा है। अब हम चलते हैं चैनल व्यू में, व्यू चैनल में, और वहाँ जाकर कुछ चैनल की सेटिंग करते हैं। और यहाँ पर आ गए हम लोग, चैनल कस्टमाइजेशन को आपने दबाना है। इसको दबाने के बाद आपने देखें यहाँ पर, ये देखें ऊपर आ रहा है यहाँ पर इमेज। अगर मैं बैक करता हूँ, अगर बैक करता हूँ, ये देखें इमेज नीचे आ गया, इमेज नीचे आ गया और ये पूरा हमारा चैनल आर्ट शो हो गया। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि चैनल आर्ट नीचे आ जाएगा, पूरा आ जाएगा और ये तस्वीर हमारी शो होना शुरू होगी। कस्टमाइजेशन चैनल को दबाया आपने, दबाने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर होम मेन्यू है। होम मेन्यू किसको कहते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, होम मेन्यू किसको कहते हैं। ये ऑनलाइन अहमदली का चैनल मैं ओपन करता हूँ ठीक है अपना। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही है, अभी ये देखें ये होम मेन्यू। अब होम मेन्यू में मैंने क्या किया, पहले सेलेक्ट किया अपलोड वीडियो, दूसरा सेलेक्ट किया मैंने पॉपुलर वीडियो, तीसरा सी पैनल का कंप्लीट कोर्स, चौथा मैं ऑफिस का कंप्लीट कोर्स, पीसी एजुकेशन, ये फिर मैंने और प्लेलिस्ट डालना शुरू कर दिया ठीक है। अब इस तरह से ही इसके अंदर भी होगा। ऐड सेक्शन को दबाया मैंने, ऐड कंटेंट को दबाया। अगर मैं कोई पॉपुलर वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ, मतलब क्लिक करूँगा जो सबसे टॉप की मेरी वीडियो होगी वो टॉप पे आ जाएगी। अगर मैं प्लेलिस्ट पे कुछ करना चाहता हूँ या सब्सक्रिप्शन को करना चाहता हूँ, सब्सक्रिप्शन को आप लोग ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे, ये मैंने ऐड किया ऑप्शन। हॉरिजेंटल चाहिए आपको या वर्टिकल चाहिए? मेरे पास देखें उस टाइम क्या है, हॉरिजेंटल, ये देखें हॉरिजेंटल, तो मैं इसको भी हॉरिजेंटल रखता हूँ, अच्छा लगेगा हॉरिजेंटल। ये मैंने हॉरिजेंटल डाल दिया। दूसरा सेक्शन कह रहा है क्या डालना है आपने, पहला अपलोड, दूसरा ये ऑटो पे डिफॉल्ट आया अपलोड, पॉपुलर, उसके बाद जो लाइक वीडियो है मेरी जो मैं लाइक कर रहा हूँ वो यहाँ पर आ जाए ठीक है। उसके बाद आ जाए यहाँ पर पोस्टेड वीडियो, जैसे ही मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँगा वो यहाँ आ जाए। फिर उसके बाद सेक्शन में आ जाए, फिर मैं कहता हूँ जैसे मैं लाइव आऊँगा तो लाइव की जितनी भी लाइव आने की वीडियो होंगी वो यहाँ पर आ जाए। उसके बाद यहाँ पर आ जाए तो वो कहता है अपकमिंग लाइव स्ट्रीमिंग खोलें या पास्ट लाइव स्ट्रीमिंग, तो इसको छोड़ दें आपकी मर्जी है। आप क्रिकेट प्लेलिस्ट, अगर कोई भी प्लेलिस्ट आप बनाना चाहते हैं या प्लेलिस्ट बना के अपलोड करना चाहते हैं तो वो यहाँ आ जाएंगे। जैसे प्लेलिस्ट क्रिएट प्लेलिस्ट, अभी प्लेलिस्ट में कुछ नहीं है तो कह रहा है प्लेलिस्ट ऐड करें, मैं एक प्लेलिस्ट ऐड कर देता हूँ सिंपल के तौर पे, सैम्पल टेस्ट, और इसको क्रिएट कर देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा आपको होम पेज का थोड़ा समझ आ जाए कि किस तरह से होम पेज को हम लोगों ने कस्टमाइजेशन करनी है। या वह हम लोग बैक करें, बैक करें और वापसी आ जाएं, इसको रिफ्रेश करें और ये हमारे कंटेंट फीचर अपलोड पॉपुलर लाइक पोस्टेड लाइव और ये क्रिएट प्लेलिस्ट, हमारी प्लेलिस्ट आ गई यहाँ पर। अब आ जाते हैं हम लोग सब्सक्रिप्शन या रिसेंट एक्टिविटी या फिर रिसेंट पोस्ट जो आप ऐड करने जाएं। मल्टी आपको प्लेलिस्ट ऐड करनी है मल्टी कर लें, सिंगल प्लेलिस्ट सेव करनी सिंगल कर लें। सिंगल प्लेलिस्ट में जाके माय प्लेलिस्ट में जाके फाइंड करना है, फाइंड के बाद आपकी जो प्लेलिस्ट बनी होगी उस पर क्लिक कर देना है और डन कर देना है। ये देखें सैम्पल टेस्ट के नाम पे एक प्लेलिस्ट है मेरी, तो वो प्लेलिस्ट में आप लोग आ गए। जैसे कि आपका पहले होम बटन है, होम बटन ये रहा। अगर कोई सेक्शन में ऊपर करना चाहता हूँ, टॉप पर लेके जाना चाहता हूँ तो उसको टॉप पर भी ले जा सकते हैं। आप इस तरह से दबाते जाएँ आपका सैम्पल टेस्ट की जो प्लेलिस्ट है वो ऊपर आती जाएगी, टॉप पर लेके आ जाएंगे उसको हम। इधर गया सैम्पल टेस्ट, ये रहा, इसको और ऊपर मैं चाहता हूँ ये सबसे ऊपर आ जाए, ये प्लेलिस्ट है ठीक है। उसके बाद ये बता रहा है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर होम के ऊपर ही सेटिंग रखी है, ये भी रख सकते हैं। उसके बाद है सब्सक्राइब आल्सो चैनल्स, ये मतलब आप फ्यूचर्ड चैनल ऐड कर सकते हैं किसी और का, किसी और को प्रमोट करना चाहते हैं, किसी का चैनल प्रमोट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो ऐड करेंगे। आपने क्लिक किया, उसकी URL ली जिस बंदे को आप प्रमोट करना चाह रहे हैं। ओहो URL इसको मैंने कॉपी किया,
वो आपने यूआरएल यहाँ पेस्ट की और यहाँ पर कुछ भी नाम लिख सकते हैं, आल्सो सब्सक्राइब दीज चैनल्स, इस तरह से करके इसको ऐड करें। यहाँ पर देखें चैनल शो हो गया, इसको डन कर दें। अब यहाँ पर फीचर्ड चैनल चैनल में ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग अपने 5 से 10, 5 या 6 तकरीबन या 10 है मेरे ख्याल से, वो ऐड कर सकते हैं। पॉपुलर चैनल्स, ये ऑटोमेटिकली पॉपुलर चैनल जो आपसे रिलेटेड होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो आना शुरू हो जाएंगे, अगर आप इसको यहाँ से डिसेबल कर देंगे तो वो नहीं आएंगे। ये इनेबल है, ये डिसेबल, और सॉरी ये इनेबल हो गया, ये इनेबल है, अब ये डिसेबल हो गया, ठीक है, नॉट शोइंग, इनेबल कर दिया मैंने इसको। उसके बाद आते हैं वीडियोज़ के अंदर। अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो वीडियोज़ को दबाता हूँ, तो ये देखें सारी वीडियोज़, ऑल वीडियोज़ शो होगी यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से ऑल वीडियोज़ यहाँ भी शो होना शुरू हो जाएंगे। प्लेलिस्ट में आता हूँ और इसकी प्लेलिस्ट में जाता हूँ तो एक कैसे एडजस्ट हुई है, जैसे जैसे आप वीडियो अपलोड करते जाएंगे वैसे वैसे प्लेलिस्ट बनती जाएंगी, मतलब बनाते जाएंगे आप लोग, जिससे रिलेटेड है। जस्ट लाइक यूट्यूब कम्प्लीट कोर्स का अभी ये चल रहा है, तो इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी, बंदा सिंपल आएगा, प्ले करेगा और चालू कर देगा, वीडियो प्ले हो जाएगी। इस तरह से जर्नल को न्यूज़ है, वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, वर्डप्रेस का कोर्स है, और भी कोर्सेज हैं मेरे यहाँ पर, तो उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी, एक बैच बना दिया पूरा। इसे आप भी आप बना सकते हैं, क्रिएट अ न्यू प्लेलिस्ट और आपने प्लेलिस्ट बना देनी है। उसके बाद आता है कि आपका चैनल्स, मतलब ये है इसका कि इसको जाके कम्युनिटी का टैब आपको 1,000 सब्सक्राइबर के बाद मिलता है। जब 1,000 सब्सक्राइब हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर कम्युनिटी का एक टैब मिल जाएगा जिसमें आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं आपस में। उसके बाद चैनल्स में आ जाते हैं, मैंने कितने चैनल्स को जो है फ्यूचर चैनल में डाला हुआ है, तो आप भी यहाँ चैनल्स को दबाएंगे तो फ्यूचर चैनल में एक ही चैनल को डाला हुआ है। डिस्कशन में आ जाते हैं, तो डिस्कशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्कशन का चैनल मुझे नहीं दिया हुआ, तो डिस्कशन यहाँ भी ली हुई, आप लोग यहाँ कुछ भी कमेंट वगैरह करके डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी मतलब अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कुछ भी एक्स वाई जेड, तो इस तरह से डिस्कशन में आप डाल सकते हैं। तो उसके बाद आते हैं अबाउट में। अबाउट में आने के बाद ये बहुत काम का ऑप्शन है आपका अबाउट। अबाउट में आने के बाद ये देखें, अबाउट में अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन डालनी है, जैसे लाइक ये मैंने डिस्क्रिप्शन डाली हुई है, आप इसी को कॉपी कर लेते हैं और इधर डालते हैं और पेस्ट करते हैं। अब यहाँ नाम वगैरह चेंज करके आप लोग अपना नाम डालेंगे, यहाँ पर इधर अपना नाम डालेंगे और कुछ भी एक्स्ट्रा इधर लिख दें, यार ये तो वैसे कंप्यूटर के हवाले से, चलें भरल में इसको थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ यही, और इसको डन कर देते हैं। और उसके बाद आता है लोकेशन। अब यहाँ पर लोकेशन जो सिलेक्ट हुई है पाकिस्तान है, अगर आप जिस कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं वो लोकेशन आप डाल दें। जस्ट लाइक मैं यूनाइटेड स्टेट को टारगेट करना चाहता हूँ तो यूनाइटेड स्टेट डाल दें, और ईमेल एड्रेस आप वो ईमेल एड्रेस यूज़ करेंगे आप जो आप बिजनेस ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं। जैसे लाइक आपसे कोई रब्ता करना चाहता है ईमेल के थ्रू, तो आप लोगों ने वो ईमेल डालनी है जिससे जो आपको कोई मैसेज करे ईमेल पर तो कन्वे हो जाए, और उसको फिर इस तरह से मैं जैसे खोल रहा हूँ इस तरह से वो भी खोल सकता है। ट्रैफिक लाइट बताओ इसको, तो यहाँ पर आप लोगों ने ईमेल ऐड कर देनी है। जस्ट लाइक मैं अली शेख 57 डाल देता हूँ, या पर नहीं, इसकी अपनी ईमेल डाल देता हूँ मैं, उससे यह होगा कि मेरी डायरेक्ट ईमेल पे वही ईमेल कर सकता है। लेकिन आपको ये मैं रिकमेंड करूँगा कि अपनी ईमेल ना डालें तो बेस्ट है, क्योंकि ईमेल से जो है कुछ हैक भी कर सकता है आपको। ये जस्ट लाइक मैंने एक ईमेल अपनी डाली हुई है, इस ईमेल के अंदर आप लोग कोई भी ईमेल करेंगे डायरेक्ट मुझे मौसूल होगी वो। उसके बाद आते हैं लिंक्स, ये बहुत काम का ऑप्शन है। आप गूगल प्लस की जो है लिंक्स डाले, गूगल प्लस तो वैसे ही बंद हो गया, सब्सक्राइब की है, ट्विटर की है, फेसबुक पेज की है, इंस्टाग्राम की है, सॉरी गूगल प्लस बंद होने वाला है, अभी हुआ नहीं है लेकिन बंद हो जाएगा वो, क्योंकि उसको शट डाउन किया जा रहा है। मैं एक वीडियो इसकी डाली, ये रहा अकाउंट हैज बीन गोइंग टू अवे फ्रॉम योर प्रेल्थ, ये गूगल प्लस की मेरी आ गई लिंक, चैनल की आ गई लिंक, ट्विटर की आ गई लिंक, ऐसे ही फेसबुक पेज की आ गई और इंस्टाग्राम की जो है लिंक्स आ गई। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली लिंक लेनी है, कॉपी करना है, सो कॉपी पहले आपने अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद लिंक कॉपी करनी है, कॉपी करने के बाद सिंपल ऐड करना है, इसको ऐड दबाया आपने और यहाँ पर पेस्ट किया और लिख दिया इंस्टाग्राम। इस तरह से आप लोगों ने लिंक ऐड कर दिए, उससे आपके चैनल की ग्रोथ होती है, आपको कम्युनिटी ग्रोथ होती है, आपको बहुत फायदा होता है इससे। इंस्टाग्राम आ गया, लोग सिंपल आप क्लिक करेंगे आपके इंस्टाग्राम पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी, पसंद भी आई होगी। ये जो ऑप्शन है ये है यूर सेल्फ देखने के लिए, रिटर्न टू सब्सक्राइबर, जिस सब्सक्राइबर आता है उसके देखने के लिए व्यू हो गई है,
और रिटर्न टू योर वे, तो ये अब सब्सक्राइबर के लिए कि सब्सक्राइबर किस तरह से आपका चैनल व्यू करेगा, वो इस तरह से व्यू करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कस्टमाइजेशन थोड़ी बहुत समझ आई होगी। अब हमारी जो थर्ड कस्टमाइजेशन है वो साइड बार है, और इसकी हम सारे टूल्स सारे ऑप्शन क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं कल की एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।